इस बात से तो हम वाकिफ हैं कि रुबीना दिलैक इस वक्त जो है वो शूटिंग कर रही हैं चंडीगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं तो रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला का 18 मार्च को एक सॉन्ग आने वाला है और इसी सॉन्ग के सिलसिले में वो शूटिंग कर रही हैं चंडीगढ़ में। अब रुबीना दिलैक मिलती हैं उन खास लोगों से जिनको जिन्होंने मतलब बाहर से रुबीना को बेहद सपोर्ट किया दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहजाद देओल और साथ ही साथ सारा गुरपाल की। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करें अगर दोस्तों तो रुबीना दिलैक की इंस्टाग्राम स्टोरी अगर आप चेक करेंगे तो ये शहजाद देओल है, शहजाद, रुबीना और अभिनव। बता दूं आपको तो यहाँ पर चंडीगढ़ में इन्होंने ये बेसिकली पिक्चर खिंचवाई है और इस पे लिखा है शहजाद ने, एंड अगर आप देखेंगे तो यहीं पर फाइनली वी मेट, सारा गुरपाल से मिलते हैं अभिनव शुक्ला। सारा गुरपाल वो लड़की है जिसने ये बात बोली थी कि मैं अभिनव पर ट्रस्ट करती हूँ, आंख बंद करके करती हूँ, और वो भी 2 हफ्ते गुजारने के बाद ये बात बोलती थी कि अगर आपको भी मतलब अकेले में होना चाहे तो अब अभिनव पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ एनी अदर पर्सन। सोचिए अभिनव की क्या इमेज है, कितनी जबरदस्त इमेज है, और ऐसे में सारा गुरपाल ने अभिनव पर अपना ट्रस्ट दिखाया और शहजाद तो बाहर से ही रुबीना और अभिनव को जबरदस्त भौंकाल तरीके से सपोर्ट कर रहा था। और शहजाद वही है जिसने ये बात बोली थी कि अगर आपको सांप दिखे एक तरफ इजाज दिखे तो आप सबसे पहले इजाज को मारिए, सांप को बाद में मारिए। सो दोस्तों, ये दोस्तों का रीयूनियन है जहां पर हमें प्यारी प्यारी फोटोज नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, चाहे वो शहजाद की हो या फिर सारा गुरपाल और अभिनव शुक्ला की हो। आप लोगों को क्या है कहना कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, और मुझे इजाजत दें आप।